लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ती है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआर कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्यांशु कुमार एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष, और मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो जिनके पास ना कोई संसाधन था, ना कोई इनका जो घर है वो शहर में था, ना ही ये कभी लाइब्रेरी का शक्ल देखे हैं, और ना ही किसी तरह की कोई जो है इन्हें विशेष सुविधा मिली है। बावजूद इसके इन्होंने रिजल्ट का लगातार जो है लाइन लगा दिया है। तो स्वागत है आशीष जी आपका आरआर कैंपस पे। थैंक यू सर। तो आशीष जी का चयन जो है इस बार बिहार CGL 3 का जो रिजल्ट आया है इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में हुआ है, जिसे सचिवालय सहायक कहते हैं और बिहार में मिनी IAS के रूप में जाने जाते हैं। तो आशीष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने जब आपको पता चला, सबसे पहले जो रिजल्ट कल आया है, शायद कल ही आया है, तो रिजल्ट जब आया उस समय आप क्या कर रहे थे और उस समय क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? सर, कल शाम लगभग 11 बजे का समय था और मैं अपने दोस्तों के साथ शाम का खाना खा रहा था। तो उस समय खाना शुरू किया था तो अचानक दोस्तों ने कॉल किया कि रिजल्ट आ गई है। और उसके बाद अभी मैं उस समय मैं काफ़ी दुविधा में था, क्योंकि सर इस एग्ज़ाम में कुल 7 पोस्ट थे और उनमें मैं सिर्फ 3 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल था, क्योंकि मेरी स्नातक मैथ या इकोनॉमिक्स से नहीं था। तो एक दुविधा थी कि होगा या नहीं होगा, तो डर भी था। अभी उस समय दुविधा ये भी थी कि खाना खाए या पहले रिजल्ट देखे। लेकिन लगातार जब कॉल दोस्तों कर रहे थे तो मैंने अपना रिजल्ट देखा और उसमें मैंने अपना नाम पाया। उसके बाद तो खाना और भी नहीं खाया गया खुशी के मारे। जी जी आशीष जी, अगर बात कर ली जाए कि इस एग्ज़ाम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में? सर, मेरे एक रिलेटिव सचिवालय सहायक में थे, इसके अलावा इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे कोई भी अतिरिक्त जानकारी नहीं थी। मतलब उन्हीं से पता चला, उन्हीं से आप मोटिवेटेड होकर ये इसकी आपने तैयारी शुरू की। जी, तो तैयारी मतलब किस प्रकार से आपने शुरू की इस एग्ज़ाम की? सर, एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। अच्छा। तो उसी दौरान एक साइको टेस्ट था DFCCIL का एग्ज़ाम का, तो मैं दिल्ली से पटना आ रहा था, उसी क्रम में मेरे भाई इसका नोटिफिकेशन भेजा था। तो उसी समय से मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए, और मैं उसी समय से इस एग्ज़ाम के बारे में लग गया। शुरुआती दौर में आपने किस तरह से मतलब तैयारी शुरू की थी, सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहा था कि आपने इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो किया, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सर, सबसे पहले तो मैं इस एग्ज़ाम के बारे में जाना, जो यूट्यूब चैनल ही संसाधन था, और इसके जो भी सिलेबस होते हैं, खास करके सिलेबस में शिक्षकों से जाना, और एक अच्छी तरह से सबसे पहले सिलेबस को अपने पास रखा। उसके बाद मुझे पता चला कि ये एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन आते हैं, इनमें 2 घंटे का समय होता है, और 75 मैथ और रीजनिंग, 75 GK GS होते हैं जो सामान्य तौर पे BSSC के एग्ज़ाम में होते हैं। उसके बाद एक स्थिति थी कि कोचिंग जाएँ या ऑनलाइन क्लास करें, तो फिर मेरे एक दोस्त, मेरे रूमी ही था सूरज कुमार, वो RR कैंपस का ऑनलाइन कोर्स लिया था, मैथ का लिया था, उनमें राहुल सर पढ़ाते हैं, तो उनका मैथ क्लास मैं पूरा देखा, क्योंकि पहली वीडियो देखने से ही मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा क्लास है, और मैं उनका वीडियो पूरा देखा सर। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जैसे कि मैंने बताया, 2 पोर्शन अगर आप बांट लें, GK GS और मैथ ओरिजिनिंग, तो मैथ ओरिजिनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिनमें ये टाइम टेकिंग है, और मात्र 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन लेंदी हो गए तो वो आपका समय कैसे लेगा वो पता नहीं चलता है। तो मैंने उनका क्लास बिल्कुल शुरुआत से लेके सारा अंत तक देखा, और RR कैंपस में जितने भी मॉक टेस्ट होते थे, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। जी जी बिल्कुल जी। तो मैं कोशिश किया कि सारे मॉक टेस्ट दूं, और सर मैंने पूरा मॉक टेस्ट दिया जाके, हालांकि दिक्कत होती थी कभी कभी, लेकिन मैंने सारा मॉक टेस्ट दिया।
अगर मॉक टेस्ट की संख्या आपसे अगर पूछ ली जाए कि कितनी मॉक टेस्ट आपने दिया होगा अप्रोक्स, क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा योगदान रहता है किसी भी एग्जाम में, तो अप्रोक्स जरा बताइए कितना मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया, जरा इन्हें भी पता चले मॉक टेस्ट की क्या अहमियत है। सर, मॉक टेस्ट एक तो आरआर कैंपस का हो गया, और उसके अलावा दो बुक जो सर बताए थे मार्केट में जो अवेलेबल, जी हाँ मार्केट में अवेलेबल था, वो मैंने दो लिया, और करीब करीब सर 100 के आसपास मैंने मॉक टेस्ट दिया था। 100 के लगभग में आपने मॉक टेस्ट जी, दिया, 100 का मॉक टेस्ट दिया क्योंकि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते, वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, जी तो इसलिए मॉक टेस्ट से आप अपनी जो तैयारी है उसको आप धार दे सकते हैं। जी सर, मेरा लक्ष्य होता था कि 150 क्वेश्चन को 2 घंटे से मैं किसी तरह अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी थी, और मेरे मन में ये था कि अगर हो सके तो वो जीके जीएस जो करंट अफेयर है उसमें फंसा दे, लेकिन मैथ और रीजनिंग का इतना प्रैक्टिस कर लिया जाए ताकि इनमें अच्छी तरीका से समय के अनुसार इनको सॉल्व कर लिया जाए। मतलब यूं अगर कहा जाए तो मैथ और रीजनिंग का आपके जो तैयारी है उसके उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका कहना है कि अगर जीएस और करंट में आपको कोई चाहे तो फंसा सकता है, लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग की आपकी तैयारी बेहतरीन लेवल की होगी तो उसमें आपको कोई नहीं फंसा सकता। जी सर, और यह सच भी साबित हुआ, क्योंकि प्री तो थोड़ी आसान थी, लेकिन सर मेंस में जीके जीएस का प्रश्न जो भी था वो पल्ले से बाहर था, तो मुझे लगता है मैथ और रीजनिंग ही मेरा सिलेक्शन करवाया। कारण रहा। अगर स्टूडेंट्स का अक्सर ये सवाल रहता है कि बुक लिस्ट वगैरह कुछ बताया जाए, तो आपने किन सोर्सेस को फॉलो किया, जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। सर जैसा कि मैंने बताया था, आरआर कैंपस का जो भी स्टडी मटेरियल था वो मैंने पढ़ा। इसके अलावा मार्केट से कुछ जी किताब वगैरह, जी जीएस वगैरह के लिए। जी और मैं ज़्यादा सोर्सेस के पीछे नहीं भागा था, मुझे विश्वास था कि कोचिंग अच्छी है, मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, तो इसी कोचिंग का मैं सारा मटेरियल फॉलो किया। कुछ बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहेंगे जीएस वगैरह के लिए, जैसे लूसेंट वगैरह चलती है बहुत ज़्यादा, कुछ बुक वगैरह अगर जीएस के लिए सजेस्ट करना चाहें तो। सर मेंस के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा मेंस का अनुभव रहा है, पॉलिटी क्वेश्चन तो कूट में दिया हुआ था, और साइंस का प्रश्न, खास करके बायोलॉजी का प्रश्न तो बिल्कुल पल्ले से बाहर था, और सर हिस्ट्री में मुझे लग रहा था कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनसे भी क्वेश्चन था तो अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ लूसेंट को मैंने फॉलो किया, अच्छी फॉलो तरीका किया से था फॉलो आपने किया। लूसेंट को। जी आशीष जी, आपने बताया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि जीएस में आपको कोई खास ज्यादा दिक्कत हुई होगी। अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में आप किस चीज की, मतलब ये वर्तमान में किस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं। सर, मेनली मैं सिविल सर्विसेज का ही तैयारी कर रहा था, 67th में मेरा मेंस नहीं हुआ, 67th में जी मेंस नहीं हुआ। 26 नंबर से नहीं हुआ था, और 68 में मेरा मेंस हुआ है, तो मैं अभी तत्काल साक्षात्कार का तैयारी अच्छा, कर रहा हूँ। इंटरव्यू जी इंटरव्यू, इंटरव्यू आपकी 68 का, तो शायद 8 तारीख से इंटरव्यू शुरू होने वाला है, जी मेरा 8 तारीख को ही 8 तारीख को इंटरव्यू इंटरव्यू है। है। आशीष जी, यूट्यूब पे बहुत सारे ये उठते हैं कि यूट्यूब कितना सही है कितना गलत है, बहुत लोग यूट्यूब का रेफरेंस लेते हैं, हालांकि आज के विद्यार्थियों के पास बहुत सारे बहाने हैं कि हम आज लाइब्रेरी नहीं जा पाए तो नहीं पढ़ पाए, आप तो एक भी दिन शायद लाइब्रेरी का शक्ल भी नहीं देखा आपने, जैसा बताया आपने, जी तो यूट्यूब का क्या योगदान रहता है इस तैयारी में, या बीएसएससी की तैयारी में, या फिर और भी किसी एग्जाम की तैयारी में। सर, मुझे लगता है यूट्यूब का दो पहलू हैं और दोनों पहलू को समझना चाहिए। सर पहला पहलू ये है कि हमें सोर्सेस जो भी हैं स्टडी किसी भी क्षेत्र की, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, और लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन से टीचर का कितना पढ़ना है, और साथ ही साथ कौन से टीचर का रेगुलर पढ़ना है। तो मेरा मानना है कि यूट्यूब एक अच्छा संसाधन है, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो किसी कोशिश करें कि कम से कम शिक्षक का क्लास देखें, क्योंकि सर अगर हम एक क्लास देखना शुरू करते हैं तो कुछ ही देर के बाद 4 अन्य शिक्षकों का वही वीडियो नोटिफिकेशन में आ जाता है। सपोज आप अगर मैथ का परसेंटेज का वीडियो अगर एक आपने देखा जी तो 4 अलग अलग चैनल के आपको सजेशन में आते हैं, और ये होता भी है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। जी तो आपके कहने का मतलब है कि जिस सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस टीचर का आपने देख लिया, उसको आप कंटिन्यू देखें, 4 अगर और सजेशन में आए तो उस जी चीज की तरफ आप ना भागें। सर, और ये खास करके मन लुभावन होता है, क्योंकि ऐसे बनाए जाते हैं वीडियो, लगता है कि चलो
10 मिनट है, देख ले। आपके कहने का तात्पर्य है कि जिन जिनकी भी आप क्लास कर रहे हैं, जो जो भी गुरुजी आपके हैं, उन पे आप विश्वास बनाए रखिए, उनके साथ कंटिन्यू करिए। जी, मेरा मानना है सर, कोई भी शिक्षक एक स्टूडेंट के साथ किसी तरीके से भेदभाव नहीं करता। उनका मानना यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों को अच्छा पढ़ाए और उनका सिलेक्शन करवाए। आशीष जी, अभी BSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा निकल कर आया है न्यूज़ कि मार्च में BSSC जो है प्रारंभिक परीक्षा करवाएगी, और आपका CGL 3 में सिलेक्शन हुआ है, बिहार CGL। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिहार CGL 4 भी आने वाली है और अच्छी खासी वैकेंसी होगी, तो उस तरह के विद्यार्थी जो BSSC यानी कि इंटर लेवल की जो परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो CGL की तैयारी करना चाहते हैं यानी कि आगामी जो भी वैकेंसी आ रही है, उनके लिए अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, BSSC CGL जो इंटर लेवल की है, एक तो बात है कि स्नातक स्तर से इनका स्तर, मतलब ये स्नातक स्तर जो CGL हुए उसकी उसका लाइट वर्जन होगा। जी, लाइट वर्जन होगा, और इनमें प्रश्न भी उनकी अपेक्षा थोड़ी कम मतलब आसान पूछी जाएगी। तो मेरा मानना है कि अभी जैसे कि कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि शायद अप्रैल में मार्च अप्रैल होने की संभावना है, तो एक तो सबसे पहला हम लोगों का मन में यही रहता है कि बस बहुत ही कम दिन बचा है, बहुत ही कम दिन बचा है। तो देर किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं होता है। अगर आप अभी भी नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए, एक प्रॉपर जो टाइम टेबल होता है वो बनाइए, क्योंकि अनुशासन काफ़ी मदद करता है। एक टाइम टेबल बनाइए और जो भी सिलेबस है वो हमेशा अपने पास रखिए। कोई भी टीचर का आप फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं राहुल सर को फॉलो किया, कोई भी टीचर का फॉलो करें, आप उसी टीचर के का पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते हैं वही दें, क्योंकि एट द एंड आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम तो नहीं देनी है, ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी है। और विश्वास करें, ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम में काफ़ी अंतर हो जाता है, ये आपको एग्ज़ाम के दिन पता चलेगा, क्योंकि समय इतना जल्दी पार होता है, 2 घंटा, जी इतना जल्दी पार होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। मतलब आप अगर अपने स्तर से संदेश देना चाहें तो अनुशासन में रहिए, और किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं हुई है, आप अभी भी शुरू नहीं किया आपने तो शुरू कीजिए और रेगुलर रूप से इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व रहा है अभी तक? सर, टाइम टेबल बहुत ही एक अच्छी अनुशासन होने की एक बहुत ही अच्छी साधन होती है। एक आप टाइम टेबल बना लीजिए, कोई सा भी जो आपको लगे कि मैं इन्हें फॉलो कर सकता हूँ, एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आप उन्हीं के अनुसार चलिएगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़रूरी नहीं है कि रात में इतना पढ़ना है, सुबह में इतना पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगे एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उन्हें आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो फिर तो आपको आपका कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, चाहे वो इतना भी बड़ा शिक्षक हो। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक का काम है कि वो आपके सामने खाना बिल्कुल बना कर रख देंगे, अब उस चीज़ को आप खाएंगे ही नहीं, तो इसमें शिक्षक की कोई गलती नहीं है, आपका यही कहना है। अंत में आशीष जी, आपकी तो जर्नी अभी बहुत लंबी चलेगी, 8 तारीख को इंटरव्यू है, उसके लिए पूरे RR कैंपस के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिहार CGL 3 में सिलेक्शन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशीष जी, अंत में मैं एक और आपसे चीज़ जानना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान चूंकि जनरल कंपटीशन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, स्कूल कॉलेज में हमें सिर्फ पास करना होता था, लेकिन अभी जो है, अभी अगर बात करें बिहार SSC इंटर लेवल की, इसमें 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ पास ही नहीं करना है बल्कि टॉप करना है। तो होता क्या है कि कई बार बहुत छोटी सी चूक के वजह से लोग जो है लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो डीमोटिवेशन रहता है, और जनरल कंपटीशन वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये फैक्टर होता है, सिलेक्शन नहीं होने के बाद एज बढ़ते चला जाता है और डीमोटिवेशन आता है। आपके जीवन में भी आया होगा, उस चीज़ पर आपने कैसे काबू किया? सर, बिहार में एग्ज़ाम अगर आप देख रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो ये तो है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके साथ एग्ज़ाम देने आएंगे, लोग आएंगे, बिल्कुल, लेकिन साथ ही और वो आपके साथ ही देने आएंगे और आपको उनके साथ कंपटीशन करना है। तो कुछ बातें होती है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि अगर आप एक अच्छी तरह से टाइम टेबल बनाते हैं तो वो आपको अन्य कई सारे छात्रों से या छात्राओं से आपको आगे की ओर बढ़ाता है। अगर आप एक डेली रूटीन के अनुसार आप अपने शिक्षकों का क्लास देखते हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट देते हैं, तो विश्वास मानिए आप एक परीक्षा हॉल में भले ही 100 लोगों के साथ परीक्षा दे रहे हो, लेकिन आप उन लोगों से काफ़ी आगे रहेंगे। बिल्कुल।
तो आशीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम सभी यही दुआ करेंगे कि आप जल्दी से ऑफिसर बनिए और फिर से हमारे कैंपस में वापस आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। अंत में दो लाइन, कोई मोटिवेशन लाइन बोलना चाहेंगे आप दर्शकों को, दो पंक्ति? जी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी रिसोर्सेस होनी चाहिए। आप अपने पर विश्वास रखिए, क्योंकि हमारे और आपके जैसे ही छात्र एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो बस अपने आप पे विश्वास रखिए। धन्यवाद। तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले इसी तरह के किन्हीं टॉपर से, आपकी बातचीत करवाएंगे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ़ोन नंबर दिए जाते हैं हमारे द्वारा, किसी तरह की करियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट ही हो, अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं, करियर से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी हो, RR कैंपस बिल्कुल आपके साथ खड़ा है। आपकी सफलता में हर संभव कोशिश करने के लिए RR कैंपस तैयार है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले वीडियो में अगले टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच।